अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है माशाल्लाह फिट होंगे। और केमिस्ट्री में एक नया कंसेप्ट जो आज हम सीखने जा रहे हैं, उसको सीखने के लिए जो है वो पुरतजस्सुस जो है वो होंगे। तो आज बेटा हम एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, FSC पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज जो हम बातें सीखेंगे वो है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किन रूल्स के तहत असाइन की जाती है, ये मेरा बेटा जो है वो आज मैं आपको बातें जो है वो इंशाल्लाह सिखाऊंगा। इससे पहले कि हम जो है ये लेक्चर शुरू करें, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एंड पर अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो सबका फायदा हो सके। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शुरू करते हैं बेटा हम। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द दैट कंसर्न्ड विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ओके, मीन यहां पे हम दो चीजें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो सेल जो है वो हमने नाम दिया है, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा जो हमने नाम दिया है वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसको हम वोल्टिक सेल भी जो है वो नाम देते हैं। ओके, अब इसको हम सीखते हैं। हमने कहा कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड द सेकेंड वन गैल्वेनिक में हमने क्या कहा कि इसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे हमें जो है वो एक परमानेंट जो है वो सोर्स जो है वो चाहिए होता है, जो कंटिन्यूअसली जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके, ताकि ये प्रोसेस जो है वो हो सके। और इसका मतलब ये क्या हुआ फिर, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मीन ये प्रोसेस खुद ब खुद जो है वो नहीं हो रहा, जिस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, अपनी मर्जी के तहत नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से इसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब तक ये परफॉर्म होता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप होगी तो ये रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो केमिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और खुद ब खुद जो है वो उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, जो अपनी मदद आपके तहत हो उसको स्पॉन्टेनियस, और जिसको बाहर से असिस्टेंस मदद की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इन जो है वो प्रोसेसेस में होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है, दोनों में ही, इसमें भी और इसमें भी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनको हम सिंपल रिडॉक्स भी बोल सकते हैं। यानी कि इन प्रोसेस में चाहे ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद जो है वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है या ये खुद ब खुद परफॉर्म कर रहा है, इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी, इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होगी। ऑक्सीडेशन होती है एनोड के ऊपर और रिडक्शन होती है हमेशा कैथोड के ऊपर। ओके, यहां पर भी ऐसे ही हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड के ऊपर और रिडक्शन जो है वो कैथोड के ऊपर। यानी कि हमारे पास इन सेल्स के अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोड उनका एक का नाम एनोड होते हैं और एक का नाम कैथोड होता है। एक के जो है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है और एक जो है वो बेटा रिडक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसके ऊपर रिडक्शन टेक प्लेस होती है। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू केमिकल थ्रू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी
थ्रू स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन अ गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके अच्छा, अब हम जो चीज सीखेंगे कि अब हमने ये नाम लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो क्या है, अब उसको सीखते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है। ऑक्सीडेशन हम चार तरीकों से, रिडक्शन भी हम चार डिफरेंट तरीकों से जो है वो मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। यहां पर हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे अगर हम बात करें तो ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन को जो है वो रिमूव करवाया जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर जो चौथी हमने पॉसिबिलिटीज की डिस्कस करनी है वो ये वाली है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जो इसका है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चार तरीकों से बेटा जो है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन परफॉर्म होती है। इनमें चार प्रोसेस में से कोई भी एक जो है वो कम से कम एक वक्त में हो रहा होता है जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिडक्शन, रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगी, डिक्रीज होगी, तो वो कहलाएगा हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो कहलाएगा। इस तरह हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फोर डिफरेंट वेज से जो है वो डिजाइन करते हैं। यहां पे हमने जो एक नाम लिया है वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि ये क्या चीज है, अब इसको सीखते हैं हम। What is oxidation state? ये हमारा नेक्स्ट जो है वो पार्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये अब क्वेश्चन जो है वो राइज हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कहते हैं कि इट इज एन अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। It may be positive, it may be negative, it may be zero. Okay? यहाँ पे इसका मतलब हमने क्या चीज अंडरस्टैंड की कि हम देखते हैं कोई आयन देखते हैं, कोई मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम देखते हैं, उसके ऊपर जो जाहिर तौर पर हमें चार्ज नजर आता है वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। सो दैट्स नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी हम कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब जो है वो हमने रूल्स पढ़ने हैं जो कि इंशाल्लाह आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी ऑक्सीडेशन नंबर को डिजाइन करने में। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किन रूल्स के तहत जो है वो हम उसको लिखते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है वो जो हम कहते हैं बेटा कि एलिमेंट जो फ्री स्टेट है, जब भी किसी जो है वो चीज की फ्री स्टेट होगी, एलिमेंट की फ्री स्टेट होगी, देन उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी जीरो होगी। मिसाल के तौर पर H2 जीरो होगी, Cl2 जीरो होगी, Na ये एलिमेंटल फॉर्म है जीरो, हम कहेंगे मैग्नीशियम फॉर्म ये
जीरो, यानी कि फ्री स्टेट में जब भी जो है वो कोई एटम एलिमेंट मौजूद होगा उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट आएगी वो जीरो होगी, एक बात होगी। दूसरी बात, हम बात करते हैं कि अगर एक सिंगल आयन हो, अगर एक सिंगल आयन हो तो जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक है। अगर एक सिंगल आयन है, मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें मेरे पास पोटेशियम के पॉजिटिव है, अब इसके ऊपर प्लस वन चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? प्लस वन। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, इसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? टू नेगेटिव हो गया। एच प्लस वन है, इसका प्लस वन हो गया। सी ए टू पॉजिटिव है। ये आप गौर करें स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा कि ये सिंगल आयन है। सिंगल आयन में जो उसके ऊपर अपेरेंटली हमें चार्ज जो नजर आ रहा होता है वही उसका एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो होता है। दूसरी बात, नंबर थ्री, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जो है वो मालूम करनी है। वो कैसे होती है कि इसके तमाम कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन प्लस वन शो करता है, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स हैं उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो माइनस वन होता है। क्यों? क्योंकि बेटा मिसाल के तौर पर सोडियम हाइड्राइड, अब यहां पे हाइड्रोजन के पास माइनस वन है। वजह क्या है कि जो सोडियम है वो मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। अब आप दो चीजें इकट्ठी आ गई, मेटल और नॉन मेटल, तो मेटल की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ज्यादा है, तो सोडियम लॉस करेगा उसके ऊपर प्लस वन, हाइड्रोजन गेन करेगा, दैट्स व्हाई इट गेट्स माइनस वन चार्ज। ओके, सो यहां से हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के उसके तमाम कंपाउंड्स के अंदर जो है वो प्लस वन होगी, सिवाय मेटल हाइड्राइड में, वहां पे उसके पास माइनस वन जो है वो होती है, क्योंकि वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना कि लॉस करे। ओके, अब जो चौथी बात हमने सीखनी है वो कुछ इस तरह से होगी कि अब ऑक्सीजन की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर दी। नंबर फोर, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसके ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में माइनस टू होती है, और ये वाली जो इसकी कंडीशन है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। ओके, जब ऑक्सीजन दूसरे जो है वो चीजों के साथ कंबाइन, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन है, और मैक्सिमम जो उसकी होती है वो कौन सी होती है? माइनस टू। अब इसकी होती है माइनस वन भी, वो होती है पारोक्साइड में, और कुछ जगह पे इसकी माइनस वन बाई टू होती है, वो होते हैं सुपर ऑक्साइड। इट ऑल डिपेंड्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अटैच ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन टू द स्पेसिफिक एटम और स्पेसिफिक कंपाउंड, ठीक है, कि उसके साथ ऑक्सीजन की कितनी एबिलिटी है जुड़ने की। तो ये माइनस टू होता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनते हैं, इसके माइनस वन होता है तो पार ऑक्साइड बनते हैं, और सुपर ऑक्साइड होता है तो उसकी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है। अब जब वो ओ एफ टू फ्लोराइड डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन के ऊपर प्लस टू होते हैं, ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस टू है, और क्योंकि एफ जो है उसके ऊपर माइनस वन है, दो जो है मिलकर माइनस टू जो है वो बनाएंगे। ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम इस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे वो ये वाली है कि अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें एल्जेब्रिक सम जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का वो बराबर जीरो के होता है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मेरे पास के एम एन ओ फोर है, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो इसका प्लस वन, इसका प्लस सेवन, और इसका फोर इंटू माइनस टू, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड किया और वो सम किसके बराबर आएगा? जीरो के, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नजर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट रूल, इन केस ऑफ आयन, अब आयन की बात करें तो आयन के ऊपर जो चार्ज मौजूद होगा वो उसके बराबर आएगा। एल्जेब्रिक सम
इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, मिसाल के तौर पर SO4 2-. अब सल्फर की जो है अगर हम बात करें +6, ऑक्सीजन 4 है उसके ऊपर होती -2. अब ये क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो 2 माइनस जो है या -2 के बराबर जो है वो होगा. अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था तो यही बात हम सीख रहे हैं. इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल तमाम चीजों का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 0 के बराबर करेंगे, और इन केस ऑफ आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज होगा वो सम चार्ज के बराबर जाएगा. ओके, एंड दस लास्ट रूल इज कि अगर हमारे पास क्या हो कि अगर हमारे पास बेटा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए उसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी. मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यहां पर OF2 की ही बात करें, हालांकि ऑक्सीजन के ज्यादातर उसके कंपाउंड के अंदर माइनस में होती है, लेकिन अब यहां पर फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी -1 है तो फिर ऑक्सीजन की यहां पे +2 होगी. ये दो मिलकर -2 बनाएंगे, ये एक +2 शो करेगा. फर्क आ गया हाई इलेक्ट्रो. अगर दो चीजें कंबाइन हैं, अगर उनमें से एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एक कम है, तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बेटा असाइन करेंगे. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. I hope you enjoyed this lecture. So बेटा अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है इस लेक्चर के रिलेटेड, तो आप मेरा बेटा जो है मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं थ्रू माई फेसबुक आई डी Azizur Rehman, थ्रू माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाई मिस्टर केमिस्ट Azizur Rehman, और या आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से मुझे इससे रब्ता कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर भी करें, और जो है वो अपनी राय का इजहार जो है वो जरूर कीजिए कमेंट के अंदर. जज़ाकअल्लाह. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मिलेंगे. अस्सलामुअलैकुम. खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज.